गुड मॉर्निंग। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और एनर्जी की वजह से माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। तो PEM कहते हैं इसके शॉर्ट में। पहला देखो, इट इज कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अमंग द प्री स्कूलर। देखो यहाँ प्री स्कूलर का मतलब यह है 3 साल से 6 साल तक के बच्चे की जो आयु है, उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसको क्या कहते हैं अपन, प्री स्कूलर चाइल्ड कहते हैं। तो ये जो PEM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो कंडीशन है, वो सबसे ज्यादा किस में देखी जाती है, तो कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है किसके बीच में, प्री स्कूलर के बीच में, मतलब 3 साल से 6 साल तक की आयु के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। दिस डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1935 इन अफ्रीका बाय डॉक्टर सिसेली विलियम। ये जो डिजीज है इसको पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया था या किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था, तो 1935 में डॉक्टर सिसेली विलियम ने अफ्रीका के अंदर इस डिजीज को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था या रिपोर्ट किया था। द PEM अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो PEM प्रोटीन एनर्जी, तो प्रोटीन और एनर्जी के आधार पे, न्यूट्रिएंट्स के आधार पे इसको वापस कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, या इस डिजीज के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए। पहला तो हो गया क्वासे कोर और दूसरा है मेरास्मस। जनरली देखा जाए तो क्वासे कोर में केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी और मेरास्मस में प्रोटीन प्लस एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी। तो पहली डिजीज की बात करते हैं क्वासे कोर की। इट इज ए ट्रू टाइप ऑफ PEM। देखो इसको क्या कहते हैं, ट्रू टाइप मतलब एक ट्रू टाइप है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि बिकॉज इन दिस डिजीज लॉस ऑफ बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्योंकि इस डिजीज में क्या होता है, दोनों प्रकार के जो प्रोटीन है उनका क्या हो जाता है, बॉडी से, शरीर से लॉस हो जाता है, उसमें सोमेटिक प्रोटीन और विसरल प्रोटीन। सोमेटिक प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन जो क्या बना रहे हैं, स्केलेटल मसल्स बना रहे हैं, ऐसे प्रोटीन जो क्या बना रहे हैं, स्केलेटल मसल्स बना रहे हैं। और विसरल प्रोटीन का मतलब ऑर्गन ऑर्गन के चारों तरफ जो पाए जाते हैं प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं, विसरल प्रोटीन कहते हैं। तो इस ये जो क्वासिकोर डिजीज है इसमें क्या है, दोनों प्रकार के जो प्रोटीन है उसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस डिजीज इज ऑल्सो नाउन एज रेड बॉय डिजीज। और इस डिजीज को क्या कहते हैं, और इस बीमारी को क्या कहते हैं, रेड बॉय डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्किन के जो हेयर है, स्किन और हेयर का कलर क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन, रेड बॉय डिजीज भी कहते हैं इसमें। दिस डिजीज डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट। ये जो डिजीज है क्वासेकोर, ये डेवलप होती है किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी या तो कमी है या क्या है, इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्त तो प्रोटीन है अगर डाइट में, तो ये डिजीज डेवलप होती है। और इट मेनली अकर चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 4 ईयर ऑफ एज। देखो मैंने बताया था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कौन से बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, प्री स्कूलर में, मतलब 3 साल से 6 साल तक के बच्चे में पूरा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ज्यादा देखने को मिलता है। उसमें भी अगर केवल क्वासे कोर की अगर बात करें तो वो 6 मंथ टू 4 ईयर ऑफ एज, इस एज में पाया जा सकता है। लेकिन जनरली जो ज्यादातर जो अपन असेस करते हैं या पाया जाता है, ऑब्जर्व किया गया है, वो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे में ऑब्जर्व किया गया है। दिस डिजीज ऑल्सो नॉन एज एडिमेटस माल न्यूट्रिशन। और इस डिजीज को क्या कहते हैं, एडिमेटस मतलब एडिमा, और एडिमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग या सूजन। क्यों कहते हैं, देखो दिस डिजीज ऑल्सो नॉन एज एडिमेटस माल न्यूट्रिशन बिकॉज रिलेटेड विथ फ्लूड रिटेंशन और एडिमा। क्योंकि ये डिजीज किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, फ्लूड रिटेंशन मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूड रिटेन मतलब रुक जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूड का जमा होना, उसे कहते हैं फ्लूड रिटेंशन, और एडिमा मतलब सूजन। तो ये बीमारी किससे रिलेटेड है,
सूजन से रिलेटेड है या फ्लूड रिटेंशन से भी रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, देखो कॉस्से कोर के अंदर किसकी कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। अब प्रोटीन के अंदर देखो एल्बुमिन की भी क्या है, एल्बुमिन भी एक प्रकार का क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। और आपको पता है एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन प्रोटीन क्या मेंटेन रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर फ्लूड ज्यादा जमा नहीं होता, आर्टरी वेसल्स की वाल के ऊपर ज्यादा फ्लूड जमा नहीं होता। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, प्रोटीन कम होता है तो एल्बुमिन भी कम होगा, और एल्बुमिन कम है तो क्या होगा, वाटर का रिट्रेंशन होगा। आगे देखो इसमें, इट डेवलप इफ लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट, देन द ग्रोथ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन विल बिगिन टू शट डाउन एंड डिजीज डेवलप। ये डिजीज कैसे डेवलप होती है कि अगर भोजन के अंदर, इट डेवलप इफ, यदि लैक ऑफ प्रोटीन मतलब भोजन के अंदर क्या किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है, देन द ग्रोथ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन विल बिगेन टू शट डाउन। तब क्या होगा कि नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल बॉडी फंक्शन क्या होंगे, शट डाउन होंगे, मतलब धीरे धीरे चलने लग जाएंगे या बिल्कुल बंद होने लग जाएंगे, एंड द डिजीज डेवलप, और क्या होगी, ये डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन सिम्टम ऑफ क्वासेकोर। ठीक है, देखो साइन का मतलब क्या होता है, जो नर्स खुद असेस करती है, और सिम्टम्स का मतलब तुम जानते हो, जो पेशेंट अपने को बताता है, या पेशेंट के, यहाँ पे बच्चा है तो उसके उनके पेरेंट्स अपने को बताएंगे। देखो साइन सिम्टम ऑफ क्वासेकोर में पहला साइन है पिटिंग एडिमा प्रेजेंट। पिटिंग एडिमा का मतलब परमानेंट रहता है ड्यू टू डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। देखो क्वासेकोर के अंदर क्या हो रहा था, प्रोटीन की कमी, और प्रोटीन की कमी मतलब एल्बुमिन प्रोटीन भी कम होगा। अगर एल्बुमिन प्रोटीन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो क्या है, बॉडी के अंदर फ्लूड का रिटेंशन होगा, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूड जमा होने लग जाएगा। और ये पिटिंग एडिमा कहाँ से स्टार्ट होगा, सूजन जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट फ्रॉम लोअर लिम्स। पहले कहाँ सूजन आएगी, लोअर लिम्स का मतलब पैरों में पहले सूजन प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद दूसरा साइन देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट साइन है मून लाइक फेस। देखो क्वासेकोर में क्या होता है, मून लाइक फेस मतलब चांद जैसा मुंह दिखता है बच्चे का। क्यों दिखता है, इट जस्ट बिकॉज एडिमा प्रेजेंट ऑन फेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके मुंह के चारों तरफ क्या होता है, एडिमा या सूजन प्रेजेंट होती है। तीसरा देखो स्किन कलर चेंजेज, स्किन का कलर भी क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि मैंने बताया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन की कमी से किसकी कमी हो जाएगी, जिंक की कमी हो जाएगी। प्रोटीन देखो प्रोटीन का काम क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या काम करता है, अपने साथ आयरन को भी रखता है, अपने साथ जिंक को भी रखता है, कॉपर को भी रखता है, कोबाल्ट को भी रखता है। तो यहाँ पे स्किन कलर जो चेंज होगा उसका मेन कारण क्या होगा कि डिसपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मतलब स्किन का कलर क्या होगा, हटने लग जाएगा, और वो कारण क्या होगा कि जिंक की उसमें कमी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, चौथा जो साइन सिम्टम है क्वासेकोर का, हेयर चेंजेस। देखो बालों के अंदर सबसे ज्यादा चेंज देखने को अपने को मिलेगा, पहला क्या मिलेगा उसमें, ब्लैक टू ग्रे कलर हेयर। मैंने बताया मिट्टी जैसे क्या हो जाएंगे, उसके बाल हो जाएंगे भूरे कलर के, बाल हो जाएंगे ब्लैक से भूरे हो जाएंगे, काले से भूरे। फ्लेक लाइक हेयर स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, फ्लेक लाइक हेयर स्ट्रक्चर हो जाएगी। फ्लेक लाइक हेयर स्ट्रक्चर का मतलब उसके जो हेयर होंगे वो इस सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे, जैसे क्या दिख रहा हो, बालों के ऊपर एक झंडा दिख रहा हो, या फिर उसके सिर के अगर बाल देखेंगे अपन तो क्या दिखेगा, उसमें फ्लेक जैसी स्ट्रक्चर देखेगी, झंडे जैसी स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे। तो ये क्या है, फ्लेक लाइक हेयर स्ट्रक्चर है। उसके बाद फॉरेस्ट साइन प्रेजेंट। देखो फॉरेस्ट साइन प्रेजेंट का मतलब इस बच्चे के जो हेयर होंगे, बाल होंगे, वो कैसे होंगे, नीचे से तो क्या होंगे, उसकी शाफ्ट क्या होगी, लीनियर मतलब बिल्कुल सीधी होगी, लेकिन ऊपर से वो क्या होंगे, कोइल्ड होंगे। ठीक है, तो ये बाल क्या होंगे, कोइल्ड होंगे। तो ये एक तरह से क्या दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, तो फॉरेस्ट लाइक साइन भी इसमें देखने को मिलता है।
उसके बाद क्वासीकोर में आगे देखें साइन सिम्टम में, तो नो साइन ऑफ हंगर, तो इस बच्चे को क्या होगी, ये क्वासीकोर डिजीज वाले बच्चे को भूख नहीं लगेगी, और उस उसको टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना। फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर, देखो इस बच्चे में क्या होगा, अगर सीवियर प्रोटीन की डेफिशिएंसी चल रही है तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी है, लेकिन बच्चे में क्या है, दूसरे फैट वगैरह तो है, तो क्या होगा, फैटी इन्फिल्ट्रेशन, लीवर के चारों तरफ फैट का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और लीवर में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेंटल चेंजेस, देखो प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ और मेंटल स्टेटस को भी मेंटेन करने का काम करता है, तो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, और मेंटल चेंजेज का मतलब मानसिक उसमें विकार या मानसिक उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट इसका साइन सिम्टम है लेस एक्टिव चाइल्ड। लेस एक्टिव चाइल्ड का मतलब इसमें प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन कौन से प्रोटीन की, सोमेटिक प्रोटीन और विसरल प्रोटीन दोनों की कमी है, इसलिए ये बच्चा क्या होगा, मांसपेशियां मसल्स इसमें कमजोर होगी, तो ये बच्चा क्या होगा, लेस एक्टिव होगा। ठीक है, इस देखो मेरास्मस की बात करते हैं, तो क्वासेकोर के अंदर तो केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही थी, विसरल और सोमेटिक प्रोटीन, लेकिन मेरास्मस के अंदर क्या होगा, प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी अपने को देखने को मिलेगी। मेरास्मस इट इज कॉज्ड बाय प्रोलोंग, प्रोलोंग का मतलब लंबे समय से, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, या ठीक है, विथ मार्जिनल इंटेक ऑफ फूड, ये बच्चा क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन का शिकार हो चुका है, विथ मार्जिनल इंटेक ऑफ फूड, मतलब कम मात्रा में ये क्या कर रहा है, कैलोरी और फूड को, कैलोरी या फूड को क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है। मसल्स वास्टिंग इज प्रेजेंट, लेकिन इसमें भी क्या होगा, मसल्स की वास्टिंग जो है, मसल्स का जो टूटना है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी भी है, और किसकी कमी आ गई है, कैलोरी की कमी भी आ गई है। साइन सिम्टम की अगर बात करें मेरास्मस के, तो मेरास्मस के साइन सिम्टम क्वासेकोर से थोड़े अलग है, देखो पहला है सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स, सीवियर वास्टिंग का मतलब इसमें क्या है, कैलोरी भी नहीं है, और क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, मसल्स की जो वास्टिंग है वो क्या होगी, सीवियर होगी, और वो भी कहाँ होगी, एट थाई, मतलब थाई वाले एरिया पे ज्यादा होगी, आर्म मतलब हाथों में ज्यादा होगी, भुजाओं में, शोल्डर्स में ज्यादा देखने को मिलती है, और बटक्स में ज्यादा देखने को मिलेगी, तो सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स देखने को मिलेगा। दूसरा है मंकी लाइक फेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, देखो क्वासेकोर के अंदर मून लाइक फेस था, वो क्यों था, क्योंकि उसमें सूजन रहती थी बच्चे में, एल्बुमिन की कमी के कारण ऑन्कोटिक प्रेशर बिगड़ने से उस बच्चे में के चेहरे में सूजन देखने को मिलती थी, तो वो बच्चा मून लाइक फेस मतलब चांद जैसा दिखता था। यहाँ क्या है, मंकी लाइक फेस मतलब ड्यू टू लॉस ऑफ बकल पेड बाय वास्टिंग, मसल्स के टूटने के कारण बकल पेड जो है, बकल पेड की मसल्स भी क्या होगी, टूटने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, और बकल पेड किसे कहते हैं, अपने चिक्स को क्या कहते हैं, बकल पेड कहते हैं, चिक्स की केविटी को क्या कहते हैं, बकल पेड, और उस बच्चे का जो चेहरा दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बंदर के जैसा, तो मून लाइक और यहाँ पे मंकी लाइक फेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो साइन ऑफ हंगर इज प्रेजेंट, इस बच्चे में क्या है कि हंगर जो है, एनोरेक्सिया की कंडीशन नहीं होके यहाँ पे क्या होगा कि हंगर का साइन इस बच्चे में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडिमा अब्सेंट, इस बच्चे में क्या है, एडिमा क्या है, अब्सेंट है, लेकिन याद रखना इस बच्चे में एडिमा अब्सेंट है, लेकिन एब्डोमिनल का डिस्टेंशन देखने को मिलता है, एब्डोमन क्या दिखता है, फूला फूला सा दिखता है, और ये बच्चा पूरा कैसे दिखता है, मंकी लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, और इसका फेस ज्यादा किस में दिखता है, मंकी लाइक फेस दिखता है। और लास्ट जो पॉइंट है चाइल्ड लुक लाइक एक्टिव, ये बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कम है, लेकिन डाइट वाला प्रोटीन कम है, हो सकता है सोमेटिक प्रोटीन कम हो, लेकिन क्वासेकोर के अंदर प्रोटीन दोनों कम थे, विसरल प्रोटीन भी कम है, ऑर्गन के चारों तरफ पाया जाने वाला प्रोटीन भी कम था, और सोमेटिक प्रोटीन भी कम था, मतलब स्केलेटल मसल्स जो है अपने चलने फिरने के काम में आती उसका प्रोटीन भी
कम था, तो वो चाइल्ड कैसा था? लिथार्जिक था और लेस एक्टिव था क्वासेकोर वाला, और मेरास्मस वाला चाइल्ड क्या है? थोड़ा एक्टिव है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद ये देखो, क्वाश्चकोर और मिरासमस के अलग अलग इमेज हैं। क्वाश्चकोर में देखो ये मून लाइक फेस दिख रहा है, ब्लैक वाला जो बेबी है, और मिरासमस के अंदर मंकी लाइक फेस दिख रहा है, क्योंकि इसमें बकल पेड़ मतलब चिक्स की जो मसल्स है वो भी क्या हो गई, मसल्स वास्टिंग हो गई। तो ये मिरासमस और क्वाश्चकोर के इमेज हैं, देख सकते हो आप। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो डिफरेंस क्या क्या है। मेन जो डिफरेंस है क्वासिकोर और मेरास्मस में वो देखो आप। देखो क्वासेकोर और मेरास्मस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है मेन मेन अभी देखे अपन ने। तो क्वासेकोर के अंदर क्या होता है, क्वासेकोर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्वासेकोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जबकि मेरास्मस ड्यू टू प्रोटीन प्लस एनर्जी डेफिशिएंसी, प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वासेकोर के अंदर क्या होता है, मून लाइक फेस जो आपने देखा अभी, और मेरास्मस के अंदर क्या होता है, मंकी लाइक फेस। तीसरा जो डिफरेंस है मेन डिफरेंस, लेस एक्टिव चाइल्ड। देखो क्वासेकोर का जो चाइल्ड है वो लेस एक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सोमेटिक और विसरल दोनों प्रोटीन की कमी होती है। उसके बाद मेरास्मस वाला चाइल्ड क्या होता है, एक्टिव होता है क्योंकि इसमें भूख भी लगती है इसको, और ये एक्टिव भी होता है, इसके अंदर केवल किसकी कमी होती है, विसरल प्रोटीन या सोमेटिक प्रोटीन। उसके बाद देखो तीसरा, लेस एक्टिव चाइल्ड होता है, क्वासिकोर वाला बच्चा कैसा होगा, लेस एक्टिव होगा, जबकि मेरास्मस वाला बच्चा कैसा होगा, एक्टिव चाइल्ड होगा। चौथा देखें मेन डिफरेंस, तो क्वासिकोर के अंदर पिटिंग एडिमा या एडिमा प्रेजेंट होता है, आपको पता है एल्बुमिन की कमी के कारण, और मेरास्मस के अंदर क्या होता है, एडिमा अब्सेंट होता है, एडिमा वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। पांचवा देखिए, मोर्टेलिटी रेट इज हाई। देखो क्वासिकोर के अंदर मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर जो है वो ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें ऑर्गन जो है अपने आकार से छोटा हो रहा है, विसरल प्रोटीन भी क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है, और सोमेटिक प्रोटीन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये सबसे डेंजरस कंडीशन कौन सी है, क्वासिकोर है। इधर देखो मेरास्मस के अंदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो होती है, इसकी तुलना में क्वासेकोर की तुलना में मेरास्मस जो है इतना डेंजर नहीं होता है। उसके बाद छठा जो डिफरेंस है वो देखो, रिकवरी इज स्लो। देखो क्वासेकोर की जो रिकवरी है वो कैसे होती है, स्लो होती है, और मेरास्मस की जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है क्वासेकोर की तुलना में। एपेटाइट की अगर बात करें तो क्वासेकोर के अंदर एपेटाइट जो है डिक्रीज, मतलब भूख नहीं लगती बच्चे को, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और अपन ने बात की एनोरेक्सिया क्या होता है इसमें, होता प्रेजेंट होता है, जबकि मेरास्मस के अंदर एपेटाइट जो है इंक्रीज होता है, मतलब भूख इसमें बढ़ी हुई रहती है, बच्चे को भूख लग जाती है मेरास्मस डिजीज में। क्वासेकोर की और बात करें तो लीवर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो जाता है क्वासेकोर के अंदर, जबकि मेरास्मस के अंदर इतना लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और इसी के साथ अपना जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है यहीं तक अपन डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे अपना टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है, क्लियर और कंप्लीट।